अस्सलामुअलैकुम। आई होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। सो आफ्टर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम आई एम बैक विथ माई चैनल सेंट चैट। और यस, इट्स अ 3 months जो मैंने अ काइंड ऑफ ब्रेक लिया हुआ था एंड क्वारंटाइन आई थिंक मैंने ठीक कहा। आई थिंक इट्स टाइम टू गेट क्वार्टराइन क्वार्टरिन कोलेट्रिन कोठारिन क्वांटिटी क्वारंटीन। हाँ वही यार, घर पे बंद। It's just a kind of funny video. So, is quarantine ya quarantine quantity quality I don't know. इस वजह से मैं फिर से इस वीडियो की तरफ आया हूँ, तो मैंने सोचा कुछ चैट कर दी जाए। So, starting ये वीडियो से अंदाजा हो गया होगा, but ना 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 ना, this video is not about कि ये वायरस क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्यों बर्बादी मचा रहा है, कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है। नो, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या न्यूज चैनल, इन चीजों से भरा हुआ एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हैं जब आप काफी टाइम के बाद लाइव आते हो, यू नो, यूट्यूब के लिए। एनीवेज, सो मैंने सोचा कि आज के इस टॉपिक में मैं बात करता हूं कि जैसे सब लोगों को पता है कि इसका इलाज नहीं है बट एहतियात है, तो एहतियात इज द इलाज इस कोरोना के केस में। आज से 2 वीक पहले एग्जैक्टली मैंने एक सेमिनार या सेशन अटेंड किया था और वो सेशन था कि अपने आप को इस वबा से किस तरीके से बचाया जाए। और एट द एंड ऑफ द डे फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया जाए। इसमें से प्रीटी मच चीजें आप लोगों को ऑब्वियसली पता होंगी, तो आज की इस वीडियो में 3 चीजों में डिवाइड करूंगा। फौरन से पहले कि किन किन चीजों का ख्याल रखना है, फेज 2 में क्वारंटाइन के हवाले से। आई एम सॉरी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं फिर इतना सीरियस टॉपिक है और तुम मजाक में, जस्ट लाइट सा मोड रखना चाह रहा हूँ ताकि इस पैनिक सिचुएशन में आप कुछ हटके सोच सकें और यहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट कर सकें कि इस क्वारंटीन या लॉकडाउन सेशन में, सिचुएशन में आपको क्या करना है। और नंबर 3rd फिर देखते हैं फेज में, सल्यूट ऑल ऑफ दोस पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, के अगर तो है ऑब्वियसली बहुत से ममालिक में कुछ रूल्स, रेगुलेशन, क्वारंटीन, लॉकडाउन, सारे सिचुएशन आप लोगों को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट। क्योंकि अगर जो भी रूल्स रेगुलेशन लगाए गए हैं वो आप लोगों के लिए लगाए गए हैं ताकि आप अपने आप को और अपने चाहने वालों को, जिससे आप कनेक्टेड हो, बचा सको। जर्मनी सिचुएशन की बात करता हूँ कि यहाँ पिछले 2 हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है और इज अ पार्शियली काइंड ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन। तो इस वक्त राइट नाउ आफ्टर 2 वीक्स कुछ सिचुएशन यू है, मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि पता चले के चल क्या रहा है। लेट्स गो। जर्मनी की कंडीशन फ्रॉम माई बेलकनी कुछ ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोग हैं बाहर लेकिन बहुत कम हद तक। इस वक्त मैं हूँ सिटी सेंटर के आसपास ही, और इस वक्त कंडीशन ये होती है कि ये पूरा रोड फुल होता है ट्रैफिक से और आवाम ही आवाम होती है यहाँ साइड सड़कों पे। बट ये गाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं लाइन से, और ये सारी गाड़ियाँ, मतलब ये इन रहायशियों की है जो यहाँ पर रहते हैं, मतलब सब लोग अपने घर पे चिल कर रहे हैं और जो भी यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करके अपने आप को और इनसे कनेक्टेड लोगों को शायद बचा रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट ने आपको जो कहा है वो आपकी बेहतरी के लिए कहा है, तो जब तक लॉकडाउन है, जब तक कर्फ्यू है, उसका उसका रिस्पेक्ट करें और अपनी सिविल ड्यूटी इस मुश्किल वक्त में एज अ सिविल ड्यूटी समझ के उसको फुलफिल करें। तो आते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को ऑब्वियसली पता होंगे, तो मैं क्विक क्विक जाऊंगा। फर्स्ट कम फर्स्ट, हाथ बार बार धोना है, सैनिटाइजर नहीं है, पैनिक नहीं होना। बाहर से आए, बाहर ऑब्वियसली फुल कट डाउन तो नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ड्यूटीज कर रहे हैं वो जाते हैं काम पे, तो जब बाहर जाएं, बाहर से आए हाथ धोएं और हाथ बार बार धोएं। नंबर 2nd, जो लोग बीमार हैं, उस बीमार मीन्स नॉट डायरेक्ट जिसको कोरोना, इट्स मीन जिसको फ्लू है या काइंड ऑफ फीवर है या कफिंग है, खांसी छांसी है, तो उसे डिस्टेंस रखें। अगर बात भी कर रहे हैं तो डिस्टेंस में बात रखें और सोशल कॉन्टेक्ट अपने कम से कम कर दें एटलीस्ट फॉर फ्यू वीक्स ताकि आप बच सकें।
नंबर थर्ड, शेक हैंड नहीं करना, ये तो सबको पता है, शेक हैंड करना भूल जाएं, स्माइल पास करके हाय हेलो एंड देन कन्वर्सेशन। एंड नंबर फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर तो आप घर पे ऑब्वियसली बैठे हैं, जो लेडीज हैं, अम्मी हैं, बहनें हैं, किचन में काम करती हैं, हल्के फुल्के जख्म हो जाते हैं, आप आजकल तो मर्द हजरात भी क्वारंटीन में घर पे बैठे हुए, तो ऑब्वियसली अपनी वाइफ का, अम्मी का या बहनों का हाथ बटा रहे होंगे, कुछ काम शाम कर रहे होंगे, नहीं तो कर लो यार। सो कुछ जख्म वगैरह लग जाते हैं तो उसको कवर करें, उसको ओपन ना छोड़ें। सेकेंड फेज था उस सेशन का, कि घर पे जो चीजें आती हैं उन उनका क्या करना है, क्योंकि वो तो बाहर से आ रही हैं, तो बाहर से अगर मे बी वो वायरस लेके ना है घर पे, तो उन चीजों को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है। अब जब सब्जियां और फ्रूट आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पे सैनिटाइजर या डिटोल का स्प्रे कर दें। नो वे। सब्जियां या फ्रूट आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम धोते तो हैं, ठीक है, तो अब से तो और ज्यादा ख्याल रखना है और प्रॉपर धोना है उसको। नंबर सेकेंड, अपने घर में हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है। पहले सफाइयां होती थी, अब और ज्यादा सफाई करनी है, अपने घर को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि वही चीज है जो आपको बचा सकती है, आप सेव है, महफूज है इस वायरस से, अपने घर पे अपनी सफाई से। डिश वॉशिंग या कपड़े आप धो रहे हैं तो 60 डिग्री पे आपको धोना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, घर पे टोटली आप बैठे हुए हैं, तो अपने आप को पैक नहीं कर लेना, फ्रेश एयर इज वेरी मच नेसेसरी। तो टाइम निकालें, बालकनी में बैठे हैं, अगर नहीं है तो विंडोज खोल के फ्रेश एयर लें, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर योर हेल्दी लाइफ। सो आई होप सो कि मे बी कुछ नई चीज मिल गई हो, या मे बी सारी पुरानी चीजें हो, आपके पास कोई नई चीज हो तो कमेंट में लिख के बताएं, ताकि हमें और आपको उसका फायदा हो। सेकेंड थिंग, क्वारंटीन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हम घर पे बैठे हैं, हम बोर हो रहे हैं, तो अब पूरा दिन घर पे बैठ के बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो कि मैंने पिछले 2-3 भी फील किया था, पिछले 2-3 दिन मैंने भी फील किया था, और रात को 10 बजे मैं वॉकिंग करने चला गया था, बिकॉज इट वॉज लाइक हेल्प फॉर मी। तो घर पे बैठे हैं, कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दें। अब जैसे कि मैंने ये वीडियो 3 महीने पहले छोड़ दिया था, मैं नहीं बना रहा था, ठीक है, मैं सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ हो गया था, लेकिन अब वैसे तो मैं 9 to 5 काम कर रहा हूँ, लेकिन अब वीकेंड्स को कहीं जा नहीं सकता, तो मैंने सोचा ये वीडियो और ये इंटरेक्शन विद यू गाइस फिर से स्टार्ट कर दूं। बुक्स पर है, ठीक है, कुछ अपनी जो हॉबीज हैं जो छोड़ दी आपने, वो फिर से करना स्टार्ट कर दें, पेंटिंग्स करना स्टार्ट कर दें, जो भी है अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि अगर फजूल बैठेंगे तो एकदम कोरोना कोरोना कोरोना, इतने लोग मर गए, ये इतने केसेस हो गए, ये जस्ट फ्रस्ट्रेट होगा, ये जमा करते करते आप पागल हो जाएंगे, तो अपना माइंड डाइवर्ट करें, है तो है, अपने आप को बचाएं और अपनी एक्टिविटीज थोड़ी चेंज करें, ठीक है। एंड या लास्ट बट नॉट लीस्ट, सल्यूट टू ऑल दोस पीपल, स्पेशली डॉक्टर्स, जो कि इस मुश्किल सिचुएशन में कौम के साथ कोई भी साथ साथ खड़े हुए और अपनी जानों को दाव पे लगा के वो इलाज कर रहे हैं उन पेशेंट्स का जो कि इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस की तरफ से। सो सल्यूट टू ऑल दोस पीपल, ऑल दोस डॉक्टर्स, और वो लोग जो कि वॉलेंटरली काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, लोगों की मदद कर रहे हैं, ऑन व्हाटसो एवर, सबके लिए सल्यूट। बस अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और पैनिक ना हो, रिलैक्स, होप सो होप सो होप सो विद इन द फ्यू वीक्स हम बेटर सिचुएशन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। सो इस वीडियो का एंड अप करते हैं, बहुत ही क्विक सी शॉर्ट सी वार्म अप सी वीडियो थी, ताकि मैं फिर से आ सकूं इस यूट्यूब की दुनिया में। आई एम नॉट श्योर नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, बट लेट्स सी। तो मुझे कमेंट में बताएं कि अगर तो आप क्वारंटीन सही से फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं, जस्ट लेट मी नो। और आपके यहाँ पे सिचुएशन किस तरीके से, और आपका स्पेसिफिकली इसमें क्या रोल है। और मेरे हिसाब से कि मेरा रोल इसमें यह है कि मैं लॉकडाउन हूं, मैं सोशल डिस्टेंस मैंने कर लिया है, मैं क्वारंटीन में बैठा हुआ हूँ, और मेरी ये सिविल ड्यूटी जो कि मैं फुलफिल कर रहा हूँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे जो कि फॉरवर्ड किए गए हमारी तरफ, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री, जस्ट लेट मी नो। फिंगर क्रॉस, होप फॉर बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाफिज़।